बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पालक की रेसिपी। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इसमें सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है अदरक, सब्ज़ मिर्च, ये लहसुन है और ये सास कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये नमक, मिर्च और हल्दी, ये एक स्पून मैंने लिया खाने का नॉर्मल, ये ज़ीरा, टमाटर, प्याज और जो पालक है इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से काट के और उबाल लिया था। ये हमारा रेडी हो चुका है इसमें डालने के लिए सालन में। ये आयल है और इधर आलू मैंने तैयार कर लिए हैं। शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, अब इसमें मैं आयल डाल दूंगी। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है। आयल हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। मसाला हम तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन हो ले फिर इसमें मैं डाल दूंगी बाकी मसाला जाप भी। अभी प्याज थोड़े से ब्राउन होने देंगे, ब्राउन तो नहीं लेकिन थोड़े से फ्राई होने देंगे। फुल फ्लेम पे प्याज मैं रेडी कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी और लहसुन, अदरक मैं अभी इसमें नहीं डाल रही, अदरक एंड पे डाल देंगे जब हमारी पालक रेडी हो जाएगी। उससे यह होता है कि अदरक से जो डिश होती है उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। आपकी टाइप से अगर आप अभी डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा एंड पे डालूँगी। ज़ीरा और ये नमक, मिर्च, मसाला जा, ये मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाले के साथ अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। मसाला अब हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। वैसे तो आलू पालक एक नॉर्मल सी डिश है जो कि ऑलमोस्ट हर घर में बनती है, लेकिन मैं आज इसमें आपको कुछ अच्छे तरीके से कुछ नया बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हिला देंगे इसको। यहाँ पे इस चीज पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम है या मिर्च तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक, लेकिन रेसिपी ऐसे ही है। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसमें अपनी पालक ऐड कर देंगे। पालक में अब हम दूध ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि जो मसाला होता है पालक का वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाता है और इसमें जो डिफरेंट चीज़ है या जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो यही है। इसके साथ ही अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू भी साथ ही डाल देंगे और पालक जो है वो इसमें तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको पकने देंगे आलू गलने तक। वेलकम बैक जी। आलू और पालक हमारे रेडी हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले जो पालक थी वो बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही थी, लेकिन दूध डालने के बाद इसकी क्वांटिटी और इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है। अब इस स्टेज पे अदरक और सब्ज़ मिर्च में डाल दूँगी, इससे इसमें जो टेस्ट होगा अदरक का वो बहुत फ्रेश और सब्ज़ मिर्च का बहुत फ्रेश और फील होगा, इसमें इसका फ्लेवर आएगा बीच में।
आलू को हम गलने देंगे, फिर बताएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। आलू पालक का सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा बटर लिया है, इसमें ये मैंने 3 अदद मिर्चें ली हैं, आपने देखी होगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके इसको डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट भी डेवलप होगा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। एज ए रेसिपी इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा हम इतना से ब्राउन करेंगे, सॉरी फ्राई करेंगे। ये बटर है, ऑयल नहीं है, इसको हम ऊपर डाल देंगे। ये है जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।